नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने YouTube की वॉच हिस्ट्री को किस प्रकार रिमूव करेंगे। यानी कि हम YouTube का यूज़ करते थे, YouTube पर कुछ ऐसा कंटेंट हमने देख लिया है जो हमें नहीं देखना चाहिए था, या फिर हमने YouTube पर जो भी वॉच कराए हैं हम उसे परमानेंटली हटाना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि YouTube की वॉच हिस्ट्री को किस प्रकार रिमूव किया जाता है, यानी कि हाउ टू रिमूव YouTube वॉच हिस्ट्री। अगर आप ये सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो ये वीडियो कम्प्लीटली ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, वैसे तो हमें YouTube पर जाना होगा, और वैसे मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि YouTube पर तो हम चले जाते हैं, यहाँ पर मैं एक बात और तुम्हें समझा देता हूँ कि अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं YouTube पर तो आपको क्या करना है, YouTube के अंदर इनकॉग्निटो मोड जो ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको इनकॉग्निटो मोड को ऑन करते हुए भी आप किसी भी कंटेंट को यूज़ में ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये ऑप्शन हमें मिल जाता है इनकॉग्निटो टर्न ऑन इनकॉग्निटो मोड, इस पर अगर आप यूज़ लेकर कुछ भी वीडियोज़ देखते हैं, वॉच करते हैं, सर्च करते हैं तो वे कंटेंट आपका किसी भी टाइप से आपके इंटरनल स्टोरेज में, आपकी सर्च हिस्ट्री में नहीं आता है और आप कुछ भी वॉच करें किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन अगर आप इनकॉग्निटो मोड का यूज़ नहीं लेते हैं और आपने यार कुछ वीडियोस देख ली थी, अब उस वीडियोस को आप डिलीट करना चाहते हैं और सर्च वॉच हिस्ट्री को हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन की सेटिंग्स पर जाना है। सेटिंग्स पर चले गए, अब क्या करें, सेटिंग्स पर जाने के बाद हिस्ट्री एंड प्राइवेसी पर आपको जाना है। हिस्ट्री एंड प्राइवेसी के ऑप्शन जहां कहीं भी आपके एंड्रॉइड स्मार्टफोन में आ रहा हो आप उस पर क्लिक करें। यहां पर हमें ऊपर की ऊपर ही एक ऑप्शन मिल जाता है जो मेन ऑप्शन है, देख सकते हैं क्या ऑप्शन मिल रहा है, क्लियर वॉच हिस्ट्री। क्लियर वॉच हिस्ट्री यानी कि आपने जो कुछ भी देखा है उसको क्लीन करना चाहते हैं, क्लीन चिट देना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, सिंपली इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर हमसे मांगा जा रहा है क्या आप इसे क्लियर वॉच हिस्ट्री करना चाहते हैं। जी हां, हम क्लियर करना चाहते हैं। और यहां पर लिखा हुआ आ गया है कि यार आपकी वॉच हिस्ट्री क्लियर हो चुकी है, यानी कि डिलीट हो चुकी है, आपने जो भी वॉच किया था वह सभी हट गया है। लेकिन यार इन फ्यूचर भी हम वॉच करेंगे और हम नहीं चाहते कि हमारी हिस्ट्री में आए, तो आप यहां से पॉज कर सकते हैं, आप यहां से उसे स्टॉप कर सकते हैं। आप कुछ भी वॉच करें आपकी इस वॉच हिस्ट्री के अंदर नहीं आएगा, और जो प्रॉब्लम थी उससे आप बच सकते हैं वॉच हिस्ट्री के अंदर आने से। अगर दोस्तों आप ये सीखना चाहते हैं कि वॉच हिस्ट्री के अंदर किस प्रकार बचा जाता है तो आप इस ऑप्शन को जरूर यूज में लें, वॉच हिस्ट्री को स्टॉप कर दें। यहां से आप अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन के अंदर कुछ भी सर्च करें वो नहीं आएगा। कुछ व्यक्तियों के कुछ ऐसा कंटेंट भी सर्च कर लिया था, वो अपने सर्च कंटेंट को भी डिलीट करना चाहते हैं, तो यहां पर जाइए सर्च पर और सर्च कंटेंट को भी आप यहां से डिलीट करें। सीधा सर्च पर क्लिक करें, क्लियर हिस्ट्री पर क्लिक करें और आपका देखिए यहां पर लिखा हुआ सर्च हिस्ट्री इज द क्लियर्ड, सर्च हिस्ट्री आपकी क्लियर हो चुकी है। लेकिन अब आप इन फ्यूचर भी कुछ सर्च करेंगे और आप चाहते हैं कि वो परमानेंटली क्लियर हो जाए तो यहां पर आप इसे पॉज करें और आप कुछ भी सर्च करें आपका सर्च हिस्ट्री के अंदर शो नहीं होगा। तो आप इस टॉपिक को भी यूज में ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो, नहीं भी लेना चाहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इच्छा आपकी है। दोस्तों, अब आपने हमारा जो ये वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है सभी तरीका जो मेन था कि वॉच हिस्ट्री को किस प्रकार क्लियर किया जाता है, अगर आप अपने एक्टिविटीज को भी क्लियर करना चाहते हैं मैनेज एक्टिविटी पर जाकर आप उसे डिलीट कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, अगर आप वो भी करना चाहें तो यहां से आप कर सकते हैं। दोस्तों, ये तरीके थे YouTube की हिस्ट्री को किस प्रकार क्लीन किया जाता है, किस प्रकार रिमूव किया जाता है, किस प्रकार हटाया जाता है, आपको समझ में आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, नहीं आया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए, नॉलेजेबल वीडियोज के लिए, ज्ञानवर्धक वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।